वायनाड में फिर से भारी बारिश हुई। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। पिछले 5 सालों में चरम मौसमी घटनाएं यहां सामान्य बात हो चली हैं। हर बार कुछ दिनों के भीतर ही काफी बारिश हो जाती है। आमतौर पर मानसून के 3 महीनों के दौरान ऐसा होता है। भूस्खलन से मिट्टी खिसक रही है और चट्टाने गिर रही हैं, जिनके नीचे हर चीज दफन हो जाती है। गर्मियों में करीब 700 लोगों ने यहाँ जान गंवाई, 300 अब भी लापता हैं। इन हालात में किसान बेबस होते हैं। हालांकि भारत में मौसम केंद्रों की भरमार है। इंडिया इज अ कंट्री व्हिच हैज इन्वेस्टेड सो मच ऑन रेन। भारत एक ऐसा देश है जिसने किसानों के लिए मौसम या बारिश की भविष्यवाणी के संसाधनों पर काफी निवेश किया है। 1964 में ही कृषि मौसम भविष्यवाणी के लिए उपग्रह सूचना केंद्र बना दिया गया था। भारत उस समय ऐसा केंद्र बनाने वाला पहला देश था। मीडियम वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी एक केंद्र बनाने वाला भारत अकेला देश है। लेकिन ये सारे सिस्टम अभी ये नहीं बता पाते कि मेरे गांव में कल बारिश होगी या नहीं। जैविक खेती करने वाले राजेश कृष्णन ने 2017 में चावल उगाने वाले किसानों का एक संगठन बनाया था। इसमें अब 85 सदस्य हैं। ये किसान वायनाड वेदर फोरकास्ट कम्युनिटी से भी जुड़े हैं। ये कम्युनिटी ह्यूम सेंटर और कोची यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानियों के साथ मिलकर काम करती है। इन वैज्ञानिकों ने जलवायु निगरानी का सिस्टम तैयार किया है, जो स्थानीय मौसम के बारे में भविष्यवाणी करता है। इसके लिए क्षेत्र का सटीक डेटा चाहिए होता है, जिसे स्थानीय लोग जुटाते हैं। हमने हर ग्रिड में बारिश मापने के यंत्र लगाए हैं। गांव वाले किसान, टीचर और स्टूडेंट को इस काम में जोड़ा गया है, जिन्हें भारतीय मौसम विभाग की तरह ही बारिश की मात्रा को मापने की ट्रेनिंग दी गई है। हम लोग बड़े विश्लेषणों के लिए भी इस डेटा की तुलना करना चाहते थे। ये किसान रोज डेटा जमा कर हमारे बनाए एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। इस ग्रुप का नाम है वायनाड वेदर फोरकास्ट। स्प्रेडशीट पर डेटा को दर्ज कर उसका विश्लेषण किया जाता है। वैज्ञानिकों को ये तय करने में सहूलियत होती है कि कौन से इलाकों में किस समय सबसे ज्यादा बारिश होगी। कोची यूनिवर्सिटी का एक सुपर कंप्यूटर दुनिया के मौसमी मॉडलों का डेटा भी दिखा सकता है। उसकी तुलना वायनाड से मिले डेटा से करने के बाद वैज्ञानिक स्थानीय मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। डेटा अपडेशन के काम में काफी समय लग जाता है। गलतियां होंगी, इसलिए हमें लगातार जांच करनी पड़ती है। सभी ग्रिड का डेटा लेकर ही हम एक परफेक्ट डेटा तैयार कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हर ग्रिड में बारिश की तीव्रता कितनी थी। पश्चिमी घाट में स्थित वायनाड का ये पहाड़ी क्षेत्र अक्सर अलनीनो से प्रभावित रहता है। समुद्री सतह के तापमान में बढ़ोतरी यहाँ बारिश की मात्रा पर असर डालती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अरब सागर की सतह के तापमान में बढ़ोतरी ने ज्यादा लंबवत बादल बनाने में योगदान दिया है। ये बादल मानसून के साथ पश्चिमी घाटों का रुख कर रहे हैं, इसलिए जहां भी सीधे खड़े पहाड़ हैं, वहां बादल पहाड़ों की तलहटी से शिखर की ओर जाकर उन्हें पार करते हैं और 2,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उस खास इलाके के ऊपर बरसना शुरू कर देते हैं। बादल फटने की गंभीर घटनाएं इसी से होती हैं। Longer cloud based event. जितना ज्यादा डेटा टीम को मिलता है, उतना ही सटीक अनुमान वो लगा सकती है कि भारी बारिश कहाँ होगी। लेकिन उसके लिए उन्हें और लोगों की जरूरत है। क्षेत्र के करीब 9 लाख निवासियों में से वैज्ञानिक सिर्फ 400 लोगों तक ही पहुँच पाए हैं, लेकिन वो नियमित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना डेटा शेयर करते हैं। इस काम में 2021 से जुड़े किसान जयप्रकाश नारायण हर सुबह मिट्टी में नमी का लेवल मापकर उसका डेटा ग्रुप में डाल देते हैं। दोपहर में उन्हें बारिश की भविष्यवाणी मिल जाती है। उनके मुताबिक भविष्यवाणियां 75-80% सही होती हैं। पहले से सूचना रहे तो हमें सही फैसले करने में मदद मिल जाती है। जैसे कॉफी को कब सुखाना है, समय पर मिली सूचना और उसका सही इस्तेमाल किसानी तौर तरीके बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे किसानों को भी हम सूचना पहुंचा सकते हैं।
राजेश कृष्णन भी मानते हैं कि क्षेत्र विशेष पर ध्यान देने वाला ये मॉडल किसानों के लिए काफी असरदार है। वो चरम मौसम से खुद को और अपनी फसलों को बचाने में सफल रहे हैं। When you start getting... जब आपको मध्यम रेंज की यानी 7 से 10 दिनों के मौसम की सूचना मिलने लगती है तो आप अपनी खेती से जुड़े फैसले आसानी से कर सकते हैं। आप बीज की किस्म चुन चुके होते हैं, लेकिन बुवाई कब करेंगे, रोपाई कब करेंगे, खाद कब डालेंगे, ये फैसले कर सकते हैं। हम जैसे जैविक किसान काफी ज्यादा तरल खाद इस्तेमाल करते हैं। अगर खाद डालते समय बहुत बारिश हो गई तो सारी खाद सड़कों पर बहते हुए बेंगलुरु पहुँच जाएगी। उन्होंने एक मौसम कैलेंडर भी बनाया है। धान के अन्य किसान भी इससे जुड़कर मौसम के सर्वे का फायदा उठा सकते हैं। साझा कोशिशों से दोनों पक्षों का फायदा हुआ है। ग्रामीण आबादी को चरम मौसम से बचाने के लिए ये मॉडल भारत के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है।